बीएनबीएससी पाठ्यक्रम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारतीय औद्योगिक संघ। यानी औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का तात्पर्य होता है एक विशाल ऐसा प्रांतीय क्षेत्र जहां पर समान प्रकार की खनिज संपदा पाई जाने के कारण से वहां पर लगभग समान प्रकार के उद्योगों का विकास होता है, क्या कहलाते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। उन क्षेत्रों में या तो कोई खनिज संपदा पाई जाती है, और अगर खनिज संपदा नहीं पाई जाती है तो फिर बाद में वहां पर खनिज संपदा बाहर से मंगवाई जाती है। इन औद्योगिक प्रदेशों को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है 1 नंबर, ये वाला जो इस औद्योगिक प्रदेश को कहा जाता है कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, सबसे पहले इसी का विकास हुआ था और यह हुगली नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। बीच वाली भाग से नदी आती है, कौन सी नदी है, हुगली नदी, और उस हुगली नदी के दोनों तरफ वाले भाग में फैला हुआ है कोलकाता हुगली औद्योगिक। कोलकाता तथा हावड़ा इस प्रदेश, कोलकाता और हावड़ा इसी के पास में पाए जाते हैं हावड़ा। इसे औद्योगिक प्रदेश के हृदय स्थल है और हुगली इसकी रीढ़ है। हुगली नदी क्या है, इसकी रीढ़ है, जिसके कारण जितने भी वस्तुएं हैं या भारी वस्तुएं हैं उन भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। हुगली नदी के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। हल्दिया से लेकर बिलासपुर, हल्दिया वाला क्षेत्र आ जाएगा और बिलासपुर, ये वाला कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 120 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इस औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हावड़ा आता है, कोलकाता आता है, शिवपुरम वाला क्षेत्र आता है, ये इसी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहां पर कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है तो उद्योगों का अध्ययन करें तो यहां पर डीजल पंप सेट भी बनते हैं, मोटर भी बनते हैं, तटवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण से यहां पर गलियारों का निर्माण भी किया जाता है और यहां पर सबसे अधिक गलियारे निर्माण होते हैं। यहां पर हल्दिया में तेल शोधन शाला की स्थापना भी की गई, किसकी, तेल शोधन शाला। अतः यहां पर पेट्रो रसायन उद्योगों की स्थापना भी हुई, तेल शोधन शाला की स्थापना होने के कारण से यहां पर पेट्रो रसायन उद्योगों की स्थापना भी हुई। यहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी पाई जाती है, श्रम शक्ति भी पाई जाती है, कच्चा माल भी पाया जाता है और इसका प्रश्न प्रदेश भी संपन्न है। इस कारण से इस औद्योगिक प्रदेश का विकास क्या हुआ है, अधिक हुआ है। दूसरा आता है राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल। और दिल्ली के प्रदेश
दूसरे नंबर का भारत का जो औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है? राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल। अब इन तीनों क्षेत्रों का अपना अध्ययन करें, राउरकेला, जमशेदपुर और आसनसोल, तीनों के तीनों क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर लोहा अयस्क निकलता है और लोहा अयस्क के साथ में यहां पर कोयला भी निकलता है। अतः इस क्षेत्र में सर्वाधिक लोहे इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई और लोहे इस्पात उद्योगों की स्थापना होने के कारण से ये सबसे प्रमुख विकसित औद्योगिक प्रदेश थे। ये भारत का औद्योगिक रिलीज तंत्र, क्या कहा जाता है? औद्योगिक रिलीज तंत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी भारी उद्योग है वो सारे के सारे भारी उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित है और इसी क्षेत्र में स्थापित होने के कारण से इसको भारत का क्या कहा जाता है? औद्योगिक रिलीज तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर भारी मशीनों का निर्माण भी किया जाता है, लोहे इस्पात का भी निर्माण किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राउरकेला भी आ जाएगा, भिलाई भी आ जाता है, जमशेदपुर वाला क्षेत्र भी आ जाता है। यानी ये क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कोयला और लोहा दोनों पाए जाते हैं। रानीगंज आ जाता है, जरिया, मयूरगंज, ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। टेल्को कंपनी है वो यहीं पर स्थित है, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा है, वो इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यहां के जितने भी कारखाने हैं, जमशेदपुर में टाटा का कारखाना है टिस्को, इस टिस्को को छोड़ के और जितने भी कारखाने हैं वो सारे के सारे कारखाने किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में। जबकि जमशेदपुर में टिस्को का जो कारखाना है वो किसके अंतर्गत आता है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है। अब तीसरा आपका आ जाता है भिलाई, जबलपुर, औद्योगिक प्रदेश, यानी भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर औद्योगिक प्रदेश, ये वाला औद्योगिक प्रदेश और ये वाला औद्योगिक प्रदेश दोनों के दोनों समान स्थिति में पाए जाते। क्यों पाए जाते? क्योंकि यहां पर भी लोहा और कोयला दोनों ही पाए जाते। भारत का दूसरा सबसे नंबर का, पहला टाटा वाला आ जाएगा और दूसरा सबसे मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहां पर स्थापित है? भिलाई में स्थापित है और ये इसी क्षेत्र में स्थित है। अतः ये वाला क्षेत्र भी लोहे इस्पात उद्योग का क्या है? केंद्रीय बिंदु। लोहे इस्पात उद्योग का क्या है? केंद्रीय बिंदु है। दूसरी बात करें तो ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण से यहां पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। किसका उत्पादन अधिक होता है? कपास का उत्पादन अधिक होता है और कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण से यहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास क्या हुआ है? अधिक हुआ। अतः यहां पर सूती वस्त्र मिले भी पाई जाती है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग भी है, बीड़ी उद्योग भी है, एल्युमिनियम उद्योग भी है, औषधि उद्योग भी है। इस क्षेत्र में विद्युत ग्रहों की स्थापना भी की गई है जिनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध हो जाती है? शक्ति उपलब्ध हो जाती है। चौथा आता है अपना ये वाला, कौन सा है? मुंबई, पुणे,
16 और दिल्ली प्रदेश। यानी चौथा मुख्य औद्योगिक प्रदेश है मुंबई पुणे सोलापुर औद्योगिक प्रदेश। ये भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक पतन पर स्थित है। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक पतन पर स्थित होने के कारण से ये सबसे मुख्य औद्योगिक प्रदेश है और मुंबई भारत की व्यवसाय की राजधानी है। सबसे अधिक व्यवसाय यहीं पर होता है और सबसे बड़ा इसको फिल्म सिटी भी कहा जाता है और इसे भारत की अलकापुरी कहा जाता है। फिल्म उद्योग का अधिक विकास से होने के कारण से इसे केंद्रीय बिंदु को भारत की क्या कहा जाता है अलकापुरी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे अधिक फिल्म उद्योग का विकास ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्रीय बिंदु भी क्योंकि यहां पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास भी अधिक हुआ। मुंबई का जो आंतरिक भाग है वहां कपास का उत्पादन अधिक होता है इसी कारण से मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। तो यहां पर उद्योगों का विकास क्या हुआ है अधिक हुआ है। इसके मुख्य केंद्रीय बिंदु मुंबई पुणे अहमदाबाद अहमदनगर और सोलापुर तथा सतारा है। पांचवा आयुक्त है अहमदाबाद वडोदरा और दिल्ली के प्रदेश। अहमदाबाद वडोदरा ये गुजरात का मुख्य महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है और गुजरात जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण से यहां दो खाड़ी वाले क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी और गुजरात की खाड़ी। इसे औद्योगिक प्रदेश का विकास पहले तो कम हुआ था लेकिन गुजरात वाले क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार पाए जाने के कारण से यहां पर कोई नहीं कहां पर कोई नामक स्थान पर तेल शोधन शाला की स्थापना की गई थी और तेल शोधन शाला की स्थापना होने के कारण से इस क्षेत्र में पेट्रोल रसायन उद्योगों की स्थापना हुई अतः इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ है तीव्र गति से हुआ है। अहमदाबाद को कूकर का भोजन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है वस्त्र नगरी भी कहा जाता है और सूरत को गुजरात की लघु मुंबई भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास कहां पर हुआ है सूरत में हुआ है। यहां तेल शोधन शाला की स्थापना भी की गई है फटाखा उद्योग भी स्थापित है रासायनिक उद्योग भी स्थापित है वस्त्र उद्योगों की स्थापना भी की गई है लोहे इस्पात उद्योगों की स्थापना भी की गई है। छठा आता है दिल्ली गाजियाबाद में दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ औद्योगिक प्रदेश
ये भी भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है क्योंकि भारत की राजधानी से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र से सर्वनिम्न चतुर्भुज योजना भी चलती है। सर्वनिम्न चतुर्भुज योजना जो कि चार महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण से इसका विकास भी अधिक हुआ। गाजियाबाद वाला जो क्षेत्र है इसको दिल्ली का सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। दिल्ली का क्या कहा जाता है? सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। यहां पर कीटनाशक कारखाने स्थापित है, दवाइयां बनाने की कारखाने स्थापित है, मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। यहां पर हल्के कलपुर्जों का निर्माण भी किया जाता है और मोटर गाड़ी यंत्रों का निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद में आते हैं सातवां है अमृतसर। समानता किस प्रकार पाई जाती है? यहां पर जो औद्योगिक केंद्र स्थापित है वही उसी क्षेत्र में स्थापित है। हल्के में भारी इंजीनियरिंग का सामान, विद्युत उपकरणों का निर्माण भी किया जाता है, कॉस्मेटिक फौजरी सामान का निर्माण भी किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र भी स्थापित है यहाँ पर, और यहाँ पर पंप सेटों का निर्माण भी किया जाता है, रंग का निर्माण भी किया जाता है और वार्निश का निर्माण। ये दोनों के दोनों औद्योगिक प्रदेश आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ये सात नंबर हो गए। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आता है आठवां मधुरी कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। मधुरी कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश यहां पर उद्योगों का विकास कम हुआ है। यहां पर सर्वाधिक चीनी उद्योग का विकास हुआ है क्योंकि तब कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग भी है और कोयम्बटूर को तमिलनाडु का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहां पर कोयम्बटूर वाले क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है। यहां पर हल्के इंजीनियरिंग सामान का निर्माण भी किया जाता है, धातु का निर्माण भी किया जाता है और वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है इसका अधिकांश भाग समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। अतः इस क्षेत्र को औद्योगिक लाभ अधिक प्राप्त होता है। और नौवां आता है चेन्नई बंगलौर। औद्योगिक प्रदेश चेन्नई बंगलौर औद्योगिक प्रदेश ये वाला कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो चेन्नई से लेकर बंगलौर तक फैला हुआ है। और यहां पर सड़क और रेल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों का विकास अधिक होने के कारण से इस औद्योगिक प्रदेश का विकास भी क्या हुआ है? अधिक हुआ है। यहां एच का कारखाना
वायन का निर्माण भी किया जाता है और जलयानों का निर्माण भी किया जाता है, रंग रोगन और यातायातों का निर्माण भी किया जाता है। तकनीकी ज्ञान अधिक उपलब्ध होने के कारण से इससे औद्योगिक प्रदेश का विकास क्या हुआ है, अधिक हुआ। तो ये तो भारत के औद्योगिक प्रदेश। अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करें तो जैसे कुछ केंद्रीय बिंदु पाए जाते हैं, जैसे बिंदुई हो गया, नाहरकटिया हो गया, गोमती हो गया, इन क्षेत्रों में भी किसका विकास हुआ है, औद्योगों का विकास हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।